अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़फ़र इकबाल एस्क्वायर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपको साइट विज़िट के ऊपर लेके आया हूँ। ये साइट विज़िट मैं आपको करवा रहा हूँ हॉलीडे कंट्री क्लब पत्रियाटा न्यू मरी, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त कंट्री क्लब बन रहा है, उसके वाले से मैं आपको ब्रीफिंग देने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, आज लकीली मेरे साथ RF साहब मौजूद हैं, साइट हेड हैं हॉलीडे कंट्री क्लब के, और मैं इनसे ब्रीफिंग लूँगा इस पूरे प्रोजेक्ट के वाले से। ये एक डिटेल से हमें बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या बन रहा है और कितने टाइम में क्या क्या आपको यहाँ फैसिलिटीज मिलने हैं, ये सारी चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। तो अरफ साहब, प्लीज़ आप ज़रा इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तमाम जो नाज़रीन इस वक्त आपके चैनल की तवज्जो से देख रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम आदाब, और आप सब खैरियत से होंगे। ज़फ़र इकबाल साहब इस वक्त आपके मेरे की आंख से आपको दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने कोशिश ये की है कि पाकिस्तान की टूरिज़्म इंडस्ट्री में कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि इस वक्त बहुत सारा पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान टूरिज्म इंडस्ट्री में। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान में हो रही हैं, उस स्टैंडर्ड की नहीं हो रही हैं कि जो कि पाकिस्तान की तरफ जितना पोटेंशियल क्लाइंट आने की कोशिश कर रहा है तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए इनफ हो। तो इन सारी कमी बेशियों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस तरफ आए हैं कि पाकिस्तान का जो टूरिज़्म इंडस्ट्री में खला है, वो इतना ज़बरदस्त स्पेस पड़ा हुआ है कि उसमें हम कुछ ना कुछ किरदार अदा कर सकें। तो उस लिहाज से हमने एक रिजॉर्ट बना रहे हैं G7 के शानदार प्रोजेक्ट पे इस वक्त आप मौजूद हैं, जिसका नाम हॉलीडे कंट्री क्लब है। इसमें हमने कोशिश ये की है कि इस मरी के मलका कोसार के जो खूबसूरत पहाड़ हैं, इनमें आपकी शामें खूबसूरत हों, आपकी सुबह खूबसूरत हो, आपकी दोपहर खूबसूरत हो, आपकी सपहर खूबसूरत हो। तो कोशिश यही है कि जिस तरह अभी आपने देखा है कि लास्ट मैंने आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है लास्ट अप्रैल में, साइट शुरू हुआ जिस पे आप बैठे हुए हैं, जिस पे आप देख रहे हैं कि इसमें हमने कॉफ़ी शॉप जिसकी डेट पर आप बैठ के आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, इसके साथ साथ ए फ्रेम हम दे रहे हैं जो पाकिस्तान में तकरीबन बहुत रेयर है, ए फ्रेम कॉटेजेस दे रहे हैं हम यहाँ। और अगर आप दिखा सकें तो पीछे आपने मेरे ख्याल में विजुलाइज भी किया है, ये जो नीचे स्विमिंग पूल बना हुआ है, ये पाकिस्तान का हेली स्टेशन का सबसे पहला हाई अल्टीट्यूड पे ये पूल है। स्विमिंग पूल भी हम जाकर उसके ऊपर आपसे मैं जी जरूर डिस्कशन करेंगे। तो ये लास्ट ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, अभी आप मुझे पूछ रहे थे थोड़ा सा आप टाइट नज़र आ रहे हैं, तो वो वजह ही है कि बहुत सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, उनको मुझे देखना पड़ता है, तो वो अर्ली उठ के सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो अभी हम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स 31 दिसंबर से पहले हमने इसको फंक्शनल करके देना है, ताकि आप आएँ, आपकी फैमिली आए, यहाँ तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकें, आपको यहाँ जू दिया जाएगा, आपको पूल दिया जाएगा आर्ट एंड कूल, आप यहाँ आके डिफरेंट फीचर्स है, यानी कि आप यहाँ आएंगे आप कभी बोर नहीं होंगे। इस वक्त भी आप कंस्ट्रक्शन यानी कि एक तामीराती मराइल से गुजरने वाली साइड पे मौजूद होते हुए आपको फील आ रही है कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपकी फैमिली आती है, तो उसको अभी से एक्टिविटीज़ हम दे रहे हैं। ये इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में मेरे पास नीचे वाले फेज़ में ना हमने अभी से हॉर्स राइडिंग के लिए हॉर्स अवेल कर दिए हैं, ये कुछ थोड़ा सा मौसम में शिद्दत है जिसकी वजह से मैं ऊपर उनको शिफ्ट नहीं कर पाया। तो ये हमारा हॉर्स राइडिंग का जो क्लब है कि जो भी कॉटेज यहाँ बाय करेगा उसको डेली 2 घंटे जो है ना वो यानी कि हमारे इस क्लब में वो हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं फ्री में। तो ये प्रॉपर अपने आप में एक पूरा क्लब है जिसमें इंडोर गेम्स होंगे, फिटनेस क्लब होंगे, हॉर्स राइडिंग होगी, फिर हमारा जो ये ट्रेल है पीछे इंशाल्लाह आपको ये मेरे हमें थोड़े क्लिप्स में भाई दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि पूरा पीछे एक जंगल लश ग्रीन एरिया में बैठ के सारी चीज़ें आप इन्जॉय करते हैं। अब होता क्या है कि जब भी आप इस तरह की किसी पोटेंशियल जगह पर जाते हैं तो आपका दिल चाहता है कि मैं आऊँ अपनी चीज़ में रहूँ भी, लाइफ भी इन्जॉय करूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपका दिल ये चाहता है कि मेरी भी कुछ यहाँ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सारी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि आप खुद इन्जॉय भी कर सकें और फिर उसके बाद आपके लुत्फानंदोज़ी के साथ साथ वो एसेट आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव भी हो, आपकी एक छोटी सी यानी कि कह सकते हैं पैसिव इनकम की फाउंटेन बन जाए, एक ऐसा चश्मा बन जाए जिससे आपको मुस्तकिल आमदनी भी आए। तो उसके लिए हॉलीडे कंट्री क्लब एक बेस्ट चॉइस है, उसके साथ साथ नीचे रिजॉर्ट एक बेस्ट चॉइस है कि आप आते हैं, आप रहने की फैसिलिटी भी हासिल करते हैं, उसके साथ साथ आपका वो कॉटेज, आपका वो विला, आपका वो होटल अपार्टमेंट जो कि 5-स्टार प्रॉपर्टी है, वो एसेट आपको रहने की भी देता है, आप अपनी छुट्टियां भी गुजारते हैं, और उसके साथ साथ जब आप नहीं होते तो वो जो आपका प्रॉपर्टी है वो आपको रेंट जनरेट करके दे देती है। अच्छा ज़फ़र भाई, इसमें एक बात मैं आप नाज़रीन से एड्रेस करना चाहूँगा कि मरी की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, वो कोई फैसलाबाद से लेता है, कराची से लेता है, सो किसी भी शहर से लेता है, उसको यहाँ मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए वो बंदा वहाँ से बैठ के इसको मेंटेन नहीं कर सकता, उसको रेंट आउट नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम विन विन सिचुएशन में खेल रहे हैं, हम इसकी फॉर लाइफ रेनोवेशन, इसकी मेंटेनेंस, इसको रेंट आउट करना, इसके लिए बिजनेस प्रोड्यूस करना, ये सारा मॉड्यूल हमने एक डिसाइड किया है, बहुत प्योरीफाई तरीके से हम उसको लेके चल रहे हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप अपने घर बैठ के दुनिया के किसी कोने में बैठ के आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए देख सकते हैं कि मेरा होटल सूट, मेरा होटल विला, या आपने जो कॉटेज ले रखा है वो इन अ मंथ कितने टाइम ऑक्यूपाई हुआ है, या उसमें इस वक्त जो है ना क्या सिचुएशन चल रही है। तो उसकी मेंटेनेंस, उसकी लुक आफ्टर, और गेटेड सिक्योरिटी सिस्टम हमारा बाकायदा एक गेटेड कम्युनिटी में आपकी प्राप्ति
होती है, तो इस जंजल से भी आप बच जाते हैं। इस तरह की परेशानी को भी आपको जाना, इस तरह की परेशानी का भी आपको सामना करना नहीं पड़ता मरीज में। ये खास जो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव चीज़ लगी है। फिर उसके अलावा आप ये देखें कि ये टूरिज्म हाईवे में हम 5 टाइम कनेक्ट हो रहे हैं, टूरिज्म हाईवे नीचे। अब यानी कि इस्लामाबाद से आपको नारागांव जाकर इस तरह का माहौल, जहाँ पे अभी थोड़ा सा वर्किंग साइट होने की वजह से कुछ ना कुछ और पीछे ज़रूर आ रहा होगा, लेकिन अगर ये काम ना हो रहा हो, क्योंकि इस वक्त तमीराती काम चल रहा है, तो आपको यहाँ बैठ के ना चिड़ियों की चहचहाट, हवाओं की सरसराहट और ये जो चिरंद परिंदे हैं इनकी चहचहाट ही आपके समाधान तक पहुँचती है और आपको बिल्कुल एक आइसोलेटेड प्लेस मिलती है। रिजॉर्ट का मकसद यही होता है कि आप ऐसी एक प्लेस पर जाएँ जहाँ जिंदगी मामूल से हटकर कुछ इस तरह की चीज़ें हों। तो ये एक आइसोलेटेड प्लेस है। टोटल पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद से 45 किलोमीटर के फासले पे आपको एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिल जाए कि जिस तरह का आपको टेम्परेचर या जिस तरह का आपको क्या कहते हैं माहौल या फिजा आप चाह रहे हैं जाके कुमराट वैली में, वो आपको 4 दिन चाहिए। आप कहाँ नारा जा रहे हैं, आपको 4 दिन स्पेसिफिक टाइम चाहिए, जबकि आप टोटल 45 मिनट में उसके बाद पहुँच के आप इस तरह का माहौल और इस तरह के आप जिस जगह पर आप बैठे हैं, ये मेरे ख्याल में 15 दिन बाद यहाँ 2-2.5 फुट बर्फ होनी है। अब यहाँ से आप लगाए ना, तो आपको एक ही जगह पे इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, वो भी इस्लामाबाद से टोटल 45 मिनट के फासले पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपके लिए, ये नहीं है कि मेरा प्रोजेक्ट है या हम इस पे बैठे हैं तो इसको इतना ज़्यादा आप खुद आए। मैंने क्या कहा कि कुरान की एक टर्म है, उसमें भी आप कह रहे थे नीचे से हम थोड़ा सा जरा जी हम हाई करके थक रहे, तो मैंने कहा जी कुरान की एक टर्म है कि आइनुल यकीन, कि आप अपने हवास खमसा के जरिए जाके महसूस करें। तो हम क्लाइंट को ब्लू एरिया में बैठ के जो है ना वो 3D के ख्वाब नहीं दिखा रहे, बल्कि प्रैक्टिकली उसको कहते हैं कि आए आप अपनी प्रॉपर्टी का फ्यूचर में टेस्ट दें। और इंशाल्लाह ताला 31 दिसंबर को मैं आपको ये कॉटेजेस फंक्शनल दूंगा। 2.5 साल का प्रोजेक्ट है, हमारे कुछ कॉटेजेस जिसमें कुछ 15 से 16 यूनिट हैं जो फंक्शनल होने जा रहे हैं। आपका क्लाइंट और आप आकर अपने उस मुस्तकबल की खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी का टेस्ट लेंगे। आपको 1 नाइट फ्री स्टे हमारी तरफ से मिलेगा कि आप आएँ रहे, वो कुरान की टर्म आइनुल यकीन, उस पे आप आए, इसको फील करें अपने वासे हमसा के जरिए कि आप मुस्तकबिल में कितनी बेहतरीन चीज़ लेने जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। सुन मैं चाहूँगा कि आप इस पे बोलूँ तो हमारी एक्टिविटीज़ इतनी है कि 32+ एक्टिविटीज़ हैं, वो मैं डिस्कस करना चाहूँ तो ये कुछ घंटों लग सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट सी जो अभी इन 4-5 महीनों में मैंने आपसे मतलब डिस्कस की हैं, ये आप प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। स्पोर्ट्स के लिहाज से काम पूरा कम्प्लेक्स तैयार हो रहा है, 3 डेक तैयार हो रहा है। नीचे आपने देखा होगा कि हर हमने यानी कि कॉटेज के सराउंड में 3-4 किस्म के आपको स्विंग्स दिए हैं, आप बैठ के झूले मतलब उसके ले सकते हैं, आपके बच्चे जू दे रहे हैं हम। फिर उसके साथ साथ नीचे देखें कूल फंक्शनल हार्ट एंड कूल, यानी कि आप बर्फ़ में भी आगे यहाँ नहा सकते हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि हम इसको मोर फ्यूचरिस्टिक रखें। अब जो चीज़ें जाके आप बाहर पाकिस्तान से पैसा लगाते हैं तो आपके मुल्क में ये सारा पोटेंशियल बुझेगा, तो आप क्यों यहाँ आए? अरे मैं आपसे चाहूँगा कि जो बाकी इसके जैसे टाइप ए का जो हमारे अपार्टमेंट्स कॉटेजेस बन रहे हैं, जो पूल बन रहा है, जो इधर विलास वगैरह बन रहे हैं, वो हम फिजिकली जाके थोड़ी देर में वो भी हम साथ विजिट करते हैं। जी वेलकम बैक, इस वक्त हम मौजूद हैं जी। ये एक ए फ्रेम मॉडल है जो कि पीछे आपको दिखाते हैं, ये एक पाकिस्तान में बहुत रेयर है। इस मॉडल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये नेचुरल डिज़ास्टर में बहुत मतलब आपका सेफ है। आपका अगर आप देखें इसके विंड प्रेशर को बियर करने का बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर एक ताकत रहती है, इसका मैकेनिज्म ही ऐसा है। उसके अलावा इसके ऊपर स्नोफॉल उस तरह नहीं खड़ी होती है। फिर ये अपने आप में ना एक बड़ा यूनिक सी चीज़ है, आपको एक बड़े कह सकते हैं कि कम बजट में आपको एक ऐसी चीज़ मिल रही होती है जिसमें आपकी सेफ्टी मेजरमेंट बहुत ज़्यादा है और आपको एक चीज़ थोड़ी सी आउट ऑफ बॉक्स भी चले जाते हैं। आप इसके लॉफ्ट में जब बैठ के काफ़ी लेंगे या आप इसके लॉफ्ट में रह के जब आप एक नाइट भी स्लीप करेंगे इस कुदरत के इन खूबसूरत नज़ारों में, तो आपकी वो जो है ना वो फीलिंग ही अलग है, जो कि मैं अभी आपको कैमरे की आंख से नहीं बता सकता, दिखा सकते हैं कि चीज़ क्या बन रही है। तो हमें अभी देख लें, ये पीछे एल्युमिनियम का काम चल रहा है, हाई एंड की चीज़ें इसमें लग रही हैं। आप देखें प्रॉपर इंसुलेशन कर रहे हैं हम, वो देखें 2 इंच का ग्लास वूल लगा रहे हैं हम, और ये ज़मीन से एलिवेटेड है। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, खैर दुनिया में तो बाहर बहुत सारी चीज़ें एडवांस होना शुरू हुई हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में हमने फर्स्ट टाइम लिया है कि हम एलिवेटेड कर रहे हैं। आपका जो काटेज है वो ज़मीन नीचे उसी तरह अपने नेचुरल उसके साथ है, हम उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे, थोड़ा सा ज़मीन से उठ के एलिवेटेड होकर काटेज बना हुआ है जिसमें आप आके अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन घड़ियाँ गुजार सकते हैं। इंसुलेशन का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी जी, इस जिक्र किया है कि इंसुलेशन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको पता है स्नोफॉल का एरिया है और इसमें हम डबल ग्लेस जो है ना वो ग्लास यूज़ करेंगे और प्रॉपर टेम्पर्ड ग्लास है और ड्यूल फ्रेम के साथ ग्लास है, ये आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और इसके साथ आपको मैंने बताया कि ये ग्लास फूल यूज़ हुआ है इंसुलेशन के लिए, इसके अंदर भी थर्मोपोल यूज़ होना है। और ये ग्लास फूल की थिकनेस की बात करूँ तो ये इस वक्त जो है ना वो 2 इंच का इसकी थिकनेस है।
ये ट्री रैक